मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विष्णु राठौर एंड वेलकम यू लेट माय यूट्यूब चैनल वी एस टू लोग। दोस्तों, आप लोग कोटा में आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, चाहे वो जेई की बात है या फिर बात है नीट की, और आप तलाश कर रहे हैं कि यार एक हॉस्टल मुझे लेना है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि हॉस्टल यहाँ पर ही आकर आपको फाइनल करना चाहिए या फिर पहले भी आप बुक करके कोटा में आ सकते हैं। तो इस सभी जो आपकी कन्फ्यूजन है, इस सारे कन्फ्यूजन का इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको मिल सकती है कोटा और कोचिंग से रिलेटेड जानकारी, इसके अलावा हॉस्टल रिगार्डिंग कई तरह की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले नीट के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोटा में आ रहे हैं। तो उनको कोटा में आकर ही हॉस्टल वगैरह फाइनल करना चाहिए या फिर कोटा में आने के पहले, यानी कि वो अपने घर से भी हॉस्टल वगैरह बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो किस कंडीशन में उनको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, तो बात करते हैं सबसे पहले नीट के स्टूडेंट की। तो नीट के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो क्लासेज लगती है वो लगती है कोरल पार्क में, इसके अलावा लैंडमार्क सिटी में, जवाहर नगर में, रोड नंबर 1 में। तो इन सभी लोकेशन में कोरल पार्क और लैंडमार्क सिटी की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि नीट के बच्चों का जो एग्जाम है वो होगा 17 जुलाई को। तो उसके पहले जितने भी स्टूडेंट जो लैंडमार्क सिटी और कोरल पार्क में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर आने के बाद हॉस्टल वगैरह ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ढूंढने की दिक्कत जो आ रही है, उसका रीज़न यही है कि पुराना बच्चा कोटा में ऑलरेडी है, और यूँ मान के चलिए कि एग्ज़ाम के पहले तक वो नहीं जाएगा। यदि चला भी जाता है तो आप सोच सकते हैं कि 100% जितने बच्चे कोटा में भी रह रहे हैं लैंडमार्क सिटी में और कोरल पार्क में, तो उसमें से मैक्सिमम यूँ मान के चलिए आप 2-5% बच्चा ही वापस जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चा जाता है वो कोटा में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही, यानी कह सकते हैं एग्ज़ाम पेपर देने के बाद ही वो जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यदि वो चला जाता है घर पे तो वहाँ जाने के बाद उसकी स्टडी वगैरह नहीं होगी, डिस्टर्बेंस उसको काफ़ी सारा रहेगा। इसीलिए बच्चे कोटा में आते हैं और हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता। तो इस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि जितने भी वहाँ पर हॉस्टल वगैरह है ना, वो सब लगभग फुल है। लगभग पुराने जो हॉस्टल है ना वो तो फुल है, और जो नए हॉस्टल इस साल बन के हुए हैं तैयार, वो ज़रूर थोड़े से खाली है। और यहाँ पर थोड़ा सा लीज़ वगैरह का भी सिस्टम चलता है, तो नया हॉस्टल यदि किसी के पास लीज पर आ जाता है बन के, या फिर ओनर भी कहीं सारे चलाते हैं, तो उस कंडीशन में यूँ मान के चलिए आप कि वहाँ पर थोड़ा सा हॉस्टल वगैरह आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यहीं पर आकर हॉस्टल लेना चाहिए या फिर वहीं से बुक करके आना चाहिए। तो बात करते हैं कि हॉस्टल वगैरह जो है वो दो कंडीशन में, यहाँ पर एक तो वही जो नया बन के तैयार हुआ है, एक पुराना, जहाँ पर यूँ मान के चलिए 40 किसी हॉस्टल में 40 या 50 रूम है, तो 50 रूम में से यूँ मान के चलिए यदि 45 भरे हुए और 5 रूम वहाँ पर खाली है ना, तो यूँ मान के चलिए कि 5 रूम में वहाँ पर जो 45 रूम के जो चार्जेस वगैरह दिए गए इस नॉर्मल रेंज में, उस रेंज में आपको मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यूँ मान के चलिए कि उस कंडीशन में तो आपको वहाँ पर मनमर्जी वहाँ पर हॉस्टल वाले को देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ पर थोड़े से स्पेस ज़्यादा रूम वगैरह जहाँ पर थोड़े से ज़्यादा खाली है ना, वहाँ पर ज़रूर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा कैसे हो सकता है, जैसे किसी हॉस्टल में 9,000 का रूम वो बता रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आपको 1,500 रुपये कम कर दी जाए, और हो सकता है आपकी बात वहाँ पर मान ली जाए और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा वगैरह हो जाएगा। क्योंकि एक महीने आपने 1,000 रुपये कम दिए ना, तो आपको 10-11 महीने कोटा में रहना होता है, तो 10-11 महीने तक मतलब एक महीने का किराया आपका फ्री हो गया। तो उस कंडीशन में आपको फ़ायदा हो जाएगा यदि आप किसी उस हॉस्टल में अपना रूम बुक करते हैं या यहाँ आने के बाद फाइनल करते हैं, जिसमें कई सारे रूम वगैरह खाली है, और जो खाली वाले रूम जहाँ पर कई ज़्यादा रूम वगैरह खाली, तो ऐसे हॉस्टल यहाँ पर आपको काफ़ी कम मिलेंगे, बहुत ही गिने चुने मिलेंगे, और उसकी कंडीशन भी काफ़ी अभी स्थिति वगैरह जो यूँ कह सकते हैं हम काफ़ी मतलब बेकार चल रही है, क्योंकि पता ही नहीं रहता जो कि पेरेंट्स वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं उनको कि कहाँ पर नई बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट हुई हॉस्टल वगैरह की, तो इस टाइप से दिक्कत वगैरह को फेस करना पड़ता है। लेकिन आपको लगता है कि कोटा में आने के पहले, लैंडमार्क और कोरल बाग में आने के पहले आपको अपने बजट में एक अच्छा सा हॉस्टल फाइनल हो जाता है। फाइनल कैसे करना है, मतलब बुक कैसे करना है वहाँ पर रहते हुए, तो आप उस रूम वगैरह के जो आपको बुक करना है उस हॉस्टल के रूम का भी एक वीडियो मंगवा सकते हैं, उस हॉस्टल का थोड़ा सा छोटा सा क्लिप मंगवा सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का लुकिंग वाइज रहता है, उसके जस्ट लेफ्ट और राइट का जो एरिया है उस एरिया का भी आप छोटा सा क्लिप मंगवा कर हॉस्टल को फाइनल कर लेते हैं। क्योंकि यदि आप फाइनल करने के बाद में आपको लगता है कि जो हॉस्टल है जो इसमें आपको रहना है, जो आपको बताया गया है ऑनलाइन तरीके से या फिर आपके व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह सेंड करने के बाद में, यदि उसमें आपको समझ आ जाता है और अपने बजट में यदि वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बजट में वो हॉस्टल है, तो आप मेरी मानिए यहाँ आने के पहले ही फाइनल करके आ जाइए। क्योंकि यहाँ आने के पहले आप फाइनल करके आएंगे ना, तो आपका एक तो होटल का चार्ज भी नहीं लगेगा, दूसरा ये है कि आपको ज़्यादा दिक्कत वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट गाड़ी स्टेशन से ऑटो वाले या फिर गाड़ी वाले को डायरेक्ट अपने हॉस्टल पर लेके आओ, यहीं पर पेरेंट्स वगैरह भी रुक सकते हैं, उनको कोई ना कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत वगैरह नहीं होगी। लेकिन बात करते हैं अब रोड नंबर 1 की, जवाहर नगर की और राजीव गांधी नगर की। तो रोड नंबर 1 जो एरिया है वो टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जेई के स्टूडेंट भी मिलेंगे, नीट के स्टूडेंट भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलन की
रिलायबल टावर में जो क्लासेज लगती है वो बिल्डिंग में पड़ेगी, रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर इसी एरिया में, इसके अलावा आकाश मिलेगा, मोशन मिलेगा, इसके अलावा वाइब्रेंट मिल जाएगा, इस प्रकार से लगभग दुनिया भर की सभी कोचिंग कोटा में इस रोड नंबर एक वाले एरिया में मिल जाएगी। लेकिन टोटल जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर भी लगभग लगभग जो आसपास कोचिंग के हॉस्टल वगैरह हैं उनकी रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी है वो सब भी फुल है। बड़ी मुश्किल से आपको कोई हॉस्टल वगैरह मिलेगा, और मिल भी जाता है तो आप लोग आने के पहले यहाँ पर भी फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर भी आने के बाद में काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यदि आप यहाँ आ जाते हैं और अपने बजट में नहीं मिलता, 10,000 के ऊपर आपका बजट नहीं है, तो आपको फिर राजीव गांधी नगर में ही लेना पड़ेगा। दो प्रकार के राजीव गांधी नगर इस रोड नंबर एक के पास वाले एरिया में मिलेंगे, एक तो ओल्ड राजीव गांधी नगर, एक न्यू राजीव गांधी नगर। तो ओल्ड राजीव गांधी नगर में आपको 8 से 10,000 का हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन न्यू राजीव गांधी नगर में आप बात करेंगे तो आपको 10,000 से कम यहाँ पर भी हॉस्टल नहीं मिलेगा, 11,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 इस टाइप से आपको न्यू राजीव गांधी नगर में हॉस्टल मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों एरिया जो है उस रोड नंबर एक वाले एरिया के पास में पड़ेंगे। अब बात करते हैं जवाहर नगर वाली लोकेशन में, तो जवाहर नगर में नीट के बच्चे आते हैं, क्योंकि एलन के सत्यार्थ है, संभिनत है, इस टाइप से दोनों तीनों बिल्डिंग यहाँ पर रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो रहने वाला है वो रहने वाला है जवाहर नगर वाली लोकेशन में, क्योंकि इस लोकेशन में आपको कई तरह के हॉस्टल भी मिल जाएंगे अपने बजट में, इसके अलावा पीजी मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात जो पेरेंट्स वगैरह के लिए है तो पेरेंट्स पीजी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, और बहुत अपने मिनिमम बजट में या उनके बजट में मिल जाएंगे, 5,000 से 7,000 में, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि इस जवाहर नगर वाली जो लोकेशन है इसके पास में आपको कई तरह के पीजी मिल जाएंगे पेरेंट्स के लिए, जिसमें तलमंडी वाली लोकेशन आ गई, तो मतलब एक बहुत अच्छा एरिया मिल जाएगा और काफ़ी कम बजट में मतलब आपका काम हो जाएगा। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं वो जो जवाहर नगर में जिनको बिल्डिंग वगैरह मिलती है अपने फेस के लिए। तो इस प्रकार से जवाहर नगर वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि स्टूडेंट पेरेंट्स दोनों ही यहाँ पर फायदे में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूम भी मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिल जाएगा, पेरेंट्स पीजी भी मिल जाएंगे। लेकिन बात करते हैं राजीव गांधी नगर की, तो राजीव गांधी नगर वाली जो लोकेशन है जहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत इस लोकेशन में भी आपको नहीं आएगी राजीव गांधी नगर में, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मावी नगर फर्स्ट, मावी नगर सेकंड, मावी नगर थर्ड का जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कोचिंग के आसपास वाले जो हॉस्टल और पीजी वगैरह है वो तो थोड़ा सा दिक्कत आपको इस रूप में करेंगे कि हो सकता है वहाँ पे आपको मिले नहीं मिले, लेकिन आपको यहाँ पर 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 वाले सभी प्रकार के हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन बात आती है राजीव गांधी नगर में लग्जरी हॉस्टल की, तो राजीव गांधी नगर में जो है वो लग्जरी हॉस्टल गिनती के हैं, उंगलियों पे आप गिन सकते हो 1, 2, 3। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई लग्जरी हॉस्टल वगैरह का पता लगता है या किसी हॉस्टल में जो लग्जरी हॉस्टल है उसमें रहना चाहते हैं आप राजीव गांधी नगर वाली लोकेशन में, तो आप बुक करा के ही आइए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में क्या पता आपको वो हॉस्टल की कंडीशन उस टाइम पे अवेलेबल मिले नहीं मिले, वो रूम वगैरह आपको खाली मिले नहीं मिले, क्योंकि जब आपको रूम वगैरह खाली नहीं मिलेगा तो आप नुकसान में रह सकते हो, क्योंकि कोई दूसरा उस सीट को ले जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी पेरेंट्स के इंतजार में उस हॉस्टल के रूम को खाली रखे, क्योंकि सबका अपना अपना यहाँ पर बिजनेस होता है और बिजनेस से यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करता। तो इस प्रकार से मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी, लैंडमार्क से रिलेटेड, कोरल पार्क से रिलेटेड, रोड नंबर एक से रिलेटेड, जवाहर नगर से रिलेटेड, राजीव गांधी नगर से रिलेटेड। तो लैंडमार्क, कोरल पार्क और रोड नंबर एक में यदि आपको अपने बजट में कोई हॉस्टल वगैरह या पीजी वगैरह मिल जाता है तो आप बेधड़क बेझिझक उसको बुक करवा लीजिए, फायदे में रहेंगे, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। ये मैं कोटा की रिलेटिव 8% टाइम की बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे जो जून के फर्स्ट वीक में सीबीएसई के एग्जाम होने के बाद में कई तरह के फेज लैंडमार्क में, कोरल पार्क में, जवाहर नगर में और यूँ कह सकते हैं रोड नंबर एक में स्टार्ट होने वाले, तो उनके लिए खास तौर पर वीडियो हो सकता है फायदेमंद वाला, तो ऐसा है कर सकते हैं। जवाहर नगर, राजीव गांधी नगर वाले ज़्यादा दिक्कत में रहने वाले नहीं है, लेकिन राजीव गांधी नगर में आपको लग्जरी हॉस्टल चाहिए तो कोई पसंद आ चुका है आपको तो आप वो भी बुक करा सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है हॉस्टल पीजी रिगार्डिंग कोटा शहर में, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल व्यक्ति हूँ, यहाँ की बारीकियाँ बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ, तो आप लोग मुझे जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए वो स्क्रीन पर नंबर मेरे हैं, मेरा नाम है विष्णु राठौर, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपकी जो भी इंक्वायरी होगी मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको अपने बजट में कोई हॉस्टल पीजी वगैरह नहीं मिल रहा तो आप मुझसे अपनी डिटेल वगैरह शेयर कीजिए, कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों का काम हो जाए, बाकी फिर आपका डिसीजन है, मैंने अपना सजेशन दे दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।